नमस्कार। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी फुल फॉर्म में नजर आए। पुरी ने न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा, बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान को भी आड़े हाथों लिया। पुरी ने एक तरफ मान की शराब पीने की आदत का जिक्र कर दिया तो दूसरी तरफ सिद्धू का भविष्य कॉमेडी में उज्जवल बता दिया। 20 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जबरदस्त एक्टिव नजर आए। जनता के बीच बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने के लिए पुरी से जो बन पड़ा करते हुए दिखाई दिए। पुरी ने दावा किया कि केजरीवाल ने मान को सीएम पद का उम्मीदवार इसलिए बनाया क्योंकि वो उनके गले में चक्की का पत्थर थे। यही बात कहते हुए पुरी ने केजरीवाल और भगवंत मान दोनों पर सवाल उठाया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, एक ऐसे राज्य के लिए जो जहरीलेपन की समस्या से जूझ रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे पियक्कड़ माना जाता है, उसे आम आदमी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री का गंभीर चेहरा है। पुरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पंजाब में बटा हुआ घर है और उसके नेता लोगों के समग्र कल्याण के लिए काम करने के बजाय एक दूसरे के हिसाब चुकता करने में लगे हैं। सिद्धू और मान दोनों पर ही कटाक्ष करते हुए मोदी सरकार में मंत्री पुरी ने कहा, मुझे लगता है कॉमेडी में उनका भविष्य उज्जवल है जहां पैसा आसानी से उपलब्ध है। अगर आप ऐसे लोगों को यहां रखते हैं तो समस्या होगी। केंद्रीय मंत्री ने अपने इस बयान में कुमार विश्वास द्वारा केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आप पंजाब के सीएम बनने के लिए इतने गंभीर हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं जिन्हें पंजाब राज्य को कमजोर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और जिन्हें खालिस्तानी माना जाता है। जाहिर है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इन बयानों से सिद्धू, केजरीवाल और भगवंत मान तीनों को ही मिर्ची तो लगनी तय है। हालांकि अब इस पर ये तीनों नेता क्या जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।